हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम प्लान देखेंगे 24 फीट बाय 40 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 24 फीट का है और जो ब्रेथ है हमारा वो 40 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये कॉर्नर हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में हमारा रोड आएगा और लेफ्ट साइड रोड आएगा, दो साइड हमारे रोड आएंगे और वेंटिलेशन हमको दो साइड से मिलेगा, एक सामने से मिलेगा और एक लेफ्ट साइड से मिलेगा, और बाकी जो दो साइड है वो दोनों साइड क्लोज आएंगे, दोनों साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला डायमेंशन वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई टैब यहाँ पे दे दूंगा, तो आप वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है 24 फीट के साइड से, तो 3 फीट के डोर से हम एंटर करते हैं हॉल के अंदर। तो ये इतना एरिया हमारा हॉल का है। हॉल का जो साइज है 11 फीट × 15 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए दो विंडो प्रोवाइडेड है। एक विंडो यहाँ जो फ्रंट में हमारा ओपन होता है, आप यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक हमारा लेफ्ट साइड ओपन होता है, आप यहाँ पे 5 फीट से 6 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉल के अंदर आप यहाँ पे एल शेप में सोफा लगा सकते हैं, सामने वाली वॉल पे आप टीवी यूनिट लगा सकते हैं, और यहाँ कॉर्नर में स्पेस बचेगा तो आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। हॉल से हम आगे जाए तो ये 3 फीट का पैसेज है। इस पैसेज से हम आगे जाते हैं तो इतना हमारा ओपन स्पेस आता है। यहाँ कॉर्नर में हमारी स्टेयर्स दी हैं, सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो हम यहाँ स्टेयर से जाएंगे और यहाँ टर्न होकर ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। हॉल के बाजू में ये पैसेज में ये डोर दिया है 3 फीट का, इससे हम एंटर करते हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो हमारा ये फर्स्ट बेडरूम है, इसका जो साइज है वो 11 फीट × 11 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा ये भी 11 फीट का है। तो इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। ये विंडो भी हमारा बेसिकली ओपन होता है फ्रंट साइड में, तो आप यहाँ पे 4 फीट से 5 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर आप यहाँ पे एक डबल बेड प्रोवाइड कर सकते हैं, इस वॉल पे आप कबर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा ये मास्टर बेडरूम है क्योंकि हमने इसके अंदर अटैच किया है बाथरूम एरिया, तो हमने ये बाथरूम एरिया बनाया। अगर आपको WC+ bath area यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया बनाना, तो आप दोनों बना सकते हैं। इसका जो साइज है वो 7 फीट 6 इंच × 3 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 3 फीट 6 इंच का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। ये विंडो बेसिकली आप स्टेयर्स के नीचे साइड ओपन कर सकते हैं। और ओके, इससे हम आगे जाए तो ये पैसेज एरिया के यहाँ कॉर्नर पे डोर दिया है इस तरफ में, तो इस ये 2 फीट 6 इंच के डोर से हम एंटर करते हैं WC area के अंदर, यानी टॉयलेट एरिया के अंदर। तो इसका जो साइज है हमारा वो 4 फीट 6 इंच × 3 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 4 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 3 फीट 6 इंच का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। ये विंडो बेसिकली हमारा लेफ्ट साइड ओपन होता है, तो हमको प्रॉपरली वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसके बाजू में हमारा ये 2 फीट 6 इंच का डोर दिया है, इससे हम एंटर करते हैं बाथरूम एरिया के अंदर। तो जो बाथरूम का साइज है वो 7 फीट 6 इंच × 4 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 4 फीट का है। बाथरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। ये विंडो बेसिकली हमारा लेफ्ट साइड ओपन होता है, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। टॉयलेट और बाथरूम के बाहर ये जो वॉल मिल रही है, आप यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं। और हॉल से हम आगे जाए तो ये पैसेज एरिया के इस तरफ हमारा डोर दिया है 3 फीट का, इससे हम एंटर करते हैं सेकेंड बेडरूम के अंदर। तो बेसिकली हमारा ये सेकेंड बेडरूम है, इसका जो साइज है वो 11 फीट × 12 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 12 फीट का है। इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए दो विंडो प्रोवाइडेड है।
एक विंडो हमारा यहाँ जो कि लेफ्ट साइड ओपन होता है, आप यहाँ पे 5 फीट से 6 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरा विंडो यहाँ पे जो हमारा, आप यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये विंडो बेसिकली हमारा OTS में ओपन होता है, तो ये OTS जो है वो ओपन टू स्काई एरिया है, ये ऊपर तक ओपन रहेगा, पर आप इसे ग्राउंड फ्लोर में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एंटर करने के लिए यहाँ कॉर्नर में 2 फीट 6 इंच का डोर दिया है, इससे हम इस एरिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। आप इस एरिया को यूज भी कर सकते हो और आपको इसमें से वेंटिलेशन भी मिल जाएगा। बेडरूम के अंदर कॉर्नर पे आप डबल बेड प्रोवाइड कर सकते हैं, इस वॉल पे आप कबर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे हम बेडरूम से बाहर आए तो पैसेज एरिया के इस तरफ हमारा ये 3 फीट का डोर दिया है, इससे हम एंटर करते हैं किचन एरिया के अंदर। तो ये हमारा किचन एरिया है, किचन का जो साइज है हमारा वो 11 फीट × 9 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 9 फीट का है। किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है, ये विंडो बेसिकली हमारा ओपन होता है OTS के अंदर, ओपन टू स्काई एरिया के अंदर, तो ये ऊपर तक ये इतना एरिया हमारा 2 फीट 6 इंच का ऊपर तक ओपन रहेगा, पर ग्राउंड फ्लोर में आप इसे वॉश एरिया की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का डोर दिया है, इससे हम इस एरिया के अंदर एंटर करते हैं तो आप इसे ग्राउंड फ्लोर के अंदर यूज भी कर सकते हैं। किचन के अंदर आप यहाँ पे एल शेप में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, गैस यहाँ पे रख सकते हैं, वॉश बेसिन यहाँ पे, फ्रिज प्रोवाइड करना तो आप इस कॉर्नर पे फ्रिज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमने इस किचन एरिया के अंदर ऐड किया है स्टोर रूम, तो यहाँ पे ये डोर दिया है, इसे हम एंटर करते हैं स्टोर रूम के अंदर। तो ये हमारा इतना एरिया स्टोर रूम का है, स्टोर रूम का जो साइज है वो 7 फीट 6 इंच × 4 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 4 फीट 6 इंच का है। तो आप जो इसका किचन का स्टोरेज होता है, आपका राशन पानी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप सेम प्लान बना सकते हैं, बस आप हॉल के अंदर दरवाजा लगा लीजिए तो आपका ये बेडरूम बन जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। और अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला और डायमेंशन वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, और ऊपर आई टैब में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा और लास्ट में आपको यहाँ पे पहला वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।